हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल स्टडी केयर में। और आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रेजल वर्ब को कंटिन्यू करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना और शेयर और लाइक करते रहना। नंबर टू, बियर। बियर से टोटल 7 वर्ड्स हैं। बियर अवे मीन्स विन, जिसका हिंदी मीनिंग अगर देखें तो जीतना। तो बियर अवे मतलब हो गया जीतना। इसका एक सेंटेंस है, द इंडियन बोर अवे ऑल द गोल्ड मेडल्स दिस ईयर। बियर डाउन मतलब होता है ओवर थ्रू, यानी कि पराजित करना, मतलब हरा देना। द ब्रिटिश बोर डाउन द मुगल रूल। इस सेंटेंस में बियर का बोर डाउन इसलिए हो गया क्योंकि सेंटेंस जो है पास्ट में होगा और बियर का पास्ट फॉर्म बोर होता है ना। ये जो है एक फ्रेजल वर्ब का रूल है कि केवल वर्ब जो है वही अपना रूप चेंज करता है, अगर पास्ट में तो पास्ट में, और अगर एस या ई एस लगाने की ज़रूरत है तो वो लग जाता है, या फिर आई एन जी लगाने की ज़रूरत है तो आई एन जी लग जाता है, लेकिन सिर्फ वर्ब में ही। हम लोग प्रीपोजिशन साथ या फिर एडवर्ब के साथ कुछ भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज़ बियर विद मीन्स टॉलरेट। टॉलरेट मतलब सबको पता ही है, सहना। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बियर विद सच इंसल्ट्स। इस तरह के इंसल्ट्स को यानी कि बदतमीजी को सहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है या कठिन है। बियर ऑफ मीन्स विन मतलब जीत लेना। बंगाल क्रिकेट टीम बोर ऑफ द ट्रॉफी, बंगाल क्रिकेट टीम ने ट्रॉफी को जीत लिया। बियर ऑन रिलेट टू मतलब संबंधित। योर मेथड डू नॉट बियर ऑन दिस थ्योरी, यानी कि तुम्हारा जो नियम है, मेथड है, वो इस थ्योरी से या सिद्धांत से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट इज बियर अप मतलब मैनेज। हिंदी मीनिंग अगर देखें तो संभाल लेना। ही इज़ वियरिंग अप वेल आफ्टर द अटैक ऑफ मलेरिया। मलेरिया के अटैक के बाद वो बहुत ही अच्छी तरह से संभाल ले रहा है सिचुएशन, तो बियरिंग अप सेंटेंस जरूर कंटिन्यूअस में होगा। नेक्स्ट इज बियर आउट मतलब कि सपोर्ट, यानी कि समर्थन करना। हर वर्ड्स डू नॉट बियर आउट दैट सी इज़ ऑनेस्ट। उसके शब्द इस बात का समर्थन नहीं करते हैं कि वो एक ऑनेस्ट है। अब ये तो था टाइप वन, अब चलते हैं टाइप टू की ओर। ब्लो, इससे टोटल 4 वर्ड्स हैं। ब्लो अप मीन्स डिस्ट्रॉय बाय एक्सप्लोजन मतलब उड़ा देना। इंडियन आर्मी ब्लू अप द पाकिस्तानी कैंप्स, इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी कैंप को उड़ा दिया है। ब्लो इन मीन्स एंटर प्रवेश करना। फादर ब्लू इन द रूम वेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला तब पापा प्रवेश किए। नेक्स्ट इज ब्लो ऑफ मतलब होता है एग्जिट, उसका हिंदी मीनिंग देखें तो बाहर निकालना। द एग्जिट पाइप शुड ब्लो ऑफ द स्मोक, जो एग्जिट पाइप है यानी कि बाहर निकलने वाला पाइप, वहाँ से जो धुआँ है स्मोक वो ज़रूर बाहर निकल जाएगा। ब्लो डाउन मतलब ब्रेक यानी कि गिर जाना। टॉल ट्रीज ब्लू डाउन इन द साइक्लोन, बड़ा बड़ा जो लंबा लंबा जो ट्रीज है वो जो है साइक्लोन में गिर गए। फ्रेजल वर्ब का पार्ट वन अगर आप लोग देखें तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और इसका लिंक मैंने दोस्तों अब आई बटन में दे दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।